वेलकम बैक टू माय चैनल एलेक्स, और स्वागत है एक और आपकी धमाकेदार फ्रेश एंड कमाल की वीडियोस में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि एक बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ये गाड़ी है वैगनार जिसका मॉडल है 2016। और इसमें आज मैं बताऊंगा आपको, यदि आपकी गाड़ी में ये मेन फीचर पे हम बात करेंगे, वो फीचर है मेन ये कि जिसमें यदि हम कभी पेट्रोल पे गाड़ी होती है तो हमें सीएनजी पे कन्वर्ट कैसे करना है, और यदि आपकी कभी सीएनजी पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो रखा है और आपको सीधे डायरेक्ट पेट्रोल पे स्टार्ट होगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है आपकी इसमें गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी पेट्रोल एक भी बूंद नहीं है, तो उसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। आप फर्स्ट टाइम बिगनर हैं, आपको पता ही नहीं है, बहुत सी चीज़ों की नॉलेज नहीं है, तो आपको डायरेक्ट कैसे सीएनजी पे स्टार्ट करनी है गाड़ी, वो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना। शुरू करते हैं, चलिए सबसे पहले तो हम इसकी ऑन कर लेते हैं पावर। और अभी आप देखिए ये सीएनजी पे ब्लिंक हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे सीएनजी पे ब्लिंक हो रहा है, तो इसका मतलब सीएनजी पे रहेगी। और पेट्रोल आप इसको वन टाइम प्रेस करेंगे तो ये आपकी पेट्रोल पे अब स्टार्ट होगी, तो आपको डायरेक्ट सीधा सीएनजी पे करना है। पेट्रोल आपकी गाड़ी में नहीं है, आप कितने भी सेल्फ मारेंगे बैटरी डाउन हो जाएगी, बैटरी का इशू आएगा, सेल्फ भी ख़राब हो सकता है, और आपके बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं है, तो आप इसको क्या करेंगे, सबसे सिंपली मेथड है इसको आप कुछ टाइम 5-10 seconds इसे आप होल्ड करके रखेंगे, प्रेस करके ये ऑटोमेटिक सीएनजी पे कन्वर्ट हो जाएगी। ये अब आप देखिए सीएनजी पे कन्वर्ट हो गई है, और इसको आप सिर्फ एक बार प्रेस करेंगे, और ये गाड़ी आपकी एक बार में स्टार्ट हो जाएगी। और बाकी आपकी गाड़ी में पेट्रोल है वो तो ऑटोमेटिक ही आपकी पेट्रोल पे स्टार्ट होगी। यदि आपकी गाड़ी में कभी पेट्रोल नहीं रहे तो और डायरेक्ट आपको सीएनजी पे स्टार्ट करनी है, तो उसलिए ये मेथड था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।